लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। स्पेन में एक पार्क में तकरीबन 2 साल पहले पाइप डालने का काम चल रहा था। यहां चल रही खुदाई में मजदूरों को जमीन के नीचे कुछ ऐसा मिला कि देखकर सबकी आंखें चौंधी आ गई। दरअसल उनके हाथ बहुत बड़ा खजाना लगा था। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। जी हाँ, यहाँ से मिट्टी के 19 बड़े बड़े घड़े मिले जिसमें तांबे और चांदी के हजारों सिक्के भरे थे। इन सिक्कों का जब इतिहास खंगाला गया तो पता चला कि ये करीब 1600 साल पुराने हैं। 4वीं शताब्दी में रोमन काल में इनका इस्तेमाल किया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी कीमत उस वक्त हजारों करोड़ रुपए थी। ये बात करीब 2 साल पहले की है। स्पेन के टामारेस शहर में के पार्क का काम चल रहा था। इसी दौरान वहां पाइपलाइन डालते वक्त खुदाई में जमीन के अंदर मिट्टी के कुछ बड़े बड़े घड़े नजर आए। मजदूरों ने उन घड़ों के अंदर देखा तो वे सभी पुराने जमाने के सिक्कों से भरे हुए थे। यहां 19 घड़े मिले जिनमें से 10 सही सलामत थे। सिक्के तांबे और चांदी के थे। इनका कुल वजन 600 किलोग्राम आंका गया। सेवले पुरातत्व संग्रहालय का मानना है कि इन सिक्कों को सैनिकों या अधिकारियों को देने के लिए यहां रखा गया होगा। इन सिक्कों पर रोमन साम्राज्य के कॉन्स्टेंटाइन और मैक्सिमियान के फोटो बने हुए थे। ऐसे सिक्के स्पेन में कभी नहीं मिले थे। पुरातत्व संग्रहालय के डायरेक्टर एना नेवेरो ने कहा था कि ये सिक्के उस समय के हैं जब यूरोप के ज्यादातर हिस्से में रोम शासन किया करते थे।